परिवहन विभाग ने कुछ दिनों पहले कहा था कि लॉकडाउन पीरियड का रोड टैक्स नहीं लगेगा, मगर टैक्स पोर्टल पर बकायदा जुर्माना वसूला जा रहा है। विभाग को चाहिए कि अपनी स्थिति इस संबंध में स्पष्ट करे। पिछले एक महीने से ज्यादा हो गए राज्य भर में चलने वाली कॉमर्शियल गाड़ियां खड़ी हैं, तमाम खर्चे यथावत हैं। अन्य राज्यों में सरकारों ने लॉकडाउन अवधि का रोड टैक्स माफ कर दिया है। झारखंड में भी ऐसी खबरें आई थी, मगर टैक्स जमा करने वालों का कहना है कि यहां बकायदा जुर्माना भी वसूला जा रहा है। अभी तक झारखंड सरकार के द्वारा कोई पहल नहीं किया गया है। पिछले दिनों हम लोगों को पता चला था कि टैक्स माफी के लिए NIC को भेज दिया गया है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। सारे झारखंड के बस मालिक लगातार फोन कर रहे हैं कि अभी अगर हम टैक्स डालने जा रहे हैं तो फाइन लग रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हुआ है। राज्य में रोड टैक्स में भारी जुर्माने का भी प्रावधान है। 25% से लेकर 100% तक का जुर्माना भरने की स्थिति में फिलहाल राज्य के गाड़ी मालिक नहीं है। परिवहन सचिव ने इस बारे में कुछ भी साफ कहने से इनकार कर दिया। उन्होंने इतना कहा कि कुछ छूट का प्रावधान है, पूरा माफ नहीं होगा। वो फ्री नहीं हो रही है, वो एक्ट में क्या प्रोविजन है वही होगी। टैक्स तो लगेगी। हाँ। आपका सेक्शन 17-18 में क्या बेनिफिट है, वो बेनिफिट देंगे हम लोग। परिवहन मालिकों को वैसी ही गाड़ी खड़ी करनी पड़ रही है। लॉकडाउन खुला तो एक बार बैंक की किस्त भी देनी पड़ेगी। सरकार को चाहिए कि अन्य राज्यों की तरह कुछ बेनिफिट का ऐलान करे और यह ऐलान पोर्टल में फिट कर दिया जाए, जिससे परिवहन मालिकों को कुछ राहत महसूस हो। छात्रों और मजदूरों के इवैक्यूएशन प्रोसेस के लिए झारखंड के बस ओनर्स अपनी 3,500 बसों के साथ सरकार को सहयोग करने के लिए तैयार हैं। समस्या ये है कि इनके ज़्यादातर स्टाफ बिहार जा चुके हैं। सबसे पहले उन्हें बुलाना होगा, उसके बाद इवैक्यूएशन प्रोसेस चालू हो सकेगा। कैमरामैन अरविंद के साथ मैं शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची।